अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। बहरे टाउन के कुछ रेट आपके साथ अपडेट करता हूं और आगे क्या रेट हो जाएंगे, कहां कहां रेट नीचे आ सकते हैं वो भी आपके साथ अपडेट करूंगा। देखिए प्रिसेंट 41 में 500 गज से शुरू करते हैं तो वहां पर तकरीबन 3450 तक का रेट आ चुका है, 3550 तक का सेलर मौजूद है। तो अच्छा, रेट बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप के पास कोई सेलिंग में 25-50 हज़ार कम में कोई चीज़ है तो बताइए, और जो सेलिंग रेट बाइंग रेट में आपको बता रहा होता हूँ उसमें अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो बताइए, दोनों बातें होती हैं। तो बार प्रिसेंट 30 में 2200 सीरीज़ में नॉन पेड प्लॉट मिलता है 41 से 41-50 लाख के आसपास, और बायर 38-50 तक का मौजूद है नॉन पेड का ऑन ग्राउंड प्लॉट का। 2200 सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है, 53 स्ट्रीट्स के आसपास की लोकेशन है। 1900 सीरीज़ बिल्कुल पीछे चली जाती है तो वहाँ पर 40 तक का सेलर है, और वहाँ पर तकरीबन आप समझ लीजिए कि 36-37 तक का बाय लगता है। प्रिसेंट 30 की बात कर हो रही है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रिसेंट 22 की, तो ऊपर की हाइटेड लोकेशन 700 सीरीज़ में तकरीबन 40-41 तक का रेट है अलॉटमेंट इन हैंड के साथ, और अगर हम बात करें प्रिसेंट 40 की तो वहाँ पर तकरीबन 30-32 लाख-33 लाख में प्लॉट मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रीसेंट 27 ए की तो वहाँ पर तकरीबन 80 लाख का रेट है अलॉटमेंट हैंड ऑन ग्राउंड ओल्ड डील की बात हो रही है। 29 की बात की जाए तो 500 की सीरीज में तकरीबन 70-71 लाख तक का बायर है और 75 लाख का सेलर है, जबकि 290 की सीरीज हो जाए, 1361 सीरीज हो जाए, यहाँ पर 85 तक का सेलर है और 75 तक का बायर लगता है आज भी, अलॉटमेंट इन हैंड की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर कोने की बात की जाए तो वहाँ पर 650-600 तक कॉर्नर जो एक्सलेंट के साथ मौजूद है अलॉटमेंट के साथ 1-5-6 तक मिलते हैं, और बायर तकरीबन 90-95 तक का मिलता है 29 में। और आगे चलें तो बात करते हैं हम 15 ए की, 1636 सीरीज़ में एक प्लॉट आ रहा है 28.5 लाख रुपये में, 26 तक का बायर लगता है 15 ए में। ओल्ड डिजिट में जो 3 डिजिट है 15 बी की, वहाँ पर तकरीबन 28.5 तक का सेलर है, 26-27 तक का आपको बायर मिल जाता है नॉन पेड का, और अलॉटमेंट के साथ 30 तक का बायर मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अली ब्लॉक की तो तकरीबन 52-53 तक का रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका रेट ओवर वैल्यूड है फिलहाल आज की मार्केट के लिहाज से, इसका रेट होना चाहिए 45-46 तक, और प्रिसेंट 15 में 44-45 तक का सेलर है आज की मार्केट में। पिछले दिनों 41-42 तक प्लॉट बिका है यहाँ पर, आज 44 से ज़्यादा का सेलर नहीं, लेकिन जबकि बायर 37-38 तक का है, तो बायर सप्लाई एंड उसका डिमांड का मामला है। 14 में तकरीबन 35-36 तक का आपको प्लॉट मिल जाता है 200 की सीरीज में, ये बिल्कुल सही रेट है। 5-6 लाख रुपये और टूट सकते हैं मजीद। 10 बी में तकरीबन 28 से लेके 38 तक का रेट है, 11 बी में तकरीबन 38 से 42 तक का रेट अलॉटमेंट गारंटेड, और 10A के विला 11A के विला 72 से 75। मुझे लगता है कि ये ओवर वैल्यूड हैं, इनका रेट मैक्सिमम भी मैक्सिमम 1.5 होना चाहिए आज की मार्केट के लिहाज से। 150 गज के विला आपको 35 तक मिल जाते हैं, ओवर वैल्यूड हैं मेरे लिहाज से, तकरीबन 20-22 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ओवर रेटेड हैं, और विला का रेट नीचे आना बनता है। स्पोर्ट सिटी विला आपको 92-93 तक की ऑफर आती है, और सेलर जो है वो 95-96 तक का सेलर है विदाउट की, और गलियों के विला जो है वो 2.5-2.10 तक मिल जाते हैं विद की। स्पोर्ट सिटी विला भी ओवर वैल्यूड है, इसका भी रेट नीचे आना बनता है। पैराडाइज विला का 4.5 करोड़ तक का सेलर है, और 3.85-3.90 करोड़ तक का आपको बायर मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कायद विला में 2-2.5 तक का बायर मौजूद है, 2-10 तक का बायर मौजूद है। कोई विला हो तो बताइएगा, आपके पास भी कुछ हो तो बताइएगा। ये भी थोड़ा सा लगता है कि इस पर भी हो सकता है शायद कुछ आगे जाके रेट कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक सप्लाई नहीं आई है। 2-बेड अपार्टमेंट 85-86 का आराम से खुला बायर मौजूद है, ग्राउंड और छठे फ्लोर को हटाकर मिलता जो है वो 90-88-90 तक आपको आराम से फ्लैट मिल जाता है, और इसका भी रेट नीचे आना बनता है, कम से कम 5-10 लाख तो आना बनता ही है। ये है मार्केट की पोजीशन। प्रिसेंट 7 में 2-2-2 तक का सेलर मौजूद है, और बायर भी इतने तक का ही मिल जाता है 1000 गज में। और अगर हम बात करें प्रिसेंट 37 की 500 गज की, तो वहाँ पर तकरीबन अभी आपको आज के बाजार में सेलर मिल जाएगा 61-61.50 तक का, और बायर मिलेगा 57-58 तक का। नॉन पेड की बात हो रही है, रोड 5 के आसपास की बात करूँ मैं तो, और 38 की बात की जाए तो तकरीबन समझ लें आपके 65-70 के दरमियान बायर लगता है आपको, और सेलर आपको 72-75 के दरमियान मिल जाता है 38 में इजीली, 1000 गज की बात हो रही है।
रेट तकरीबन 50% के करीब नीचे आ चुके हैं, मजीद 20% नीचे गिर सकता है। लोग बहुत तेजी से बैठों कराची को छोड़कर अपने अपने शहरों में जा रहे हैं। जो पिंडी से आए हुए थे, जिन्होंने आबाद किया हुआ था, यहीं से कमाया हुआ था, यहीं से चीज़ें लोगों ने परचेज़ की भी थी, वो कई लोग वापस जा रहे हैं। इसी वजह से रेंट का रेट भी नीचे आ चुका है और मज़ीद नीचे भी आ सकता है। बहरिया टाउन एक हकीकत है, जो लोग शहर में काम करते हैं कराची के अंदर, वो बहरिया टाउन को बहुत पसंद करते हैं। और उनके लिए अगर अफोर्डेबिलिटी है बहरिया टाउन से आने जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिहाज से, तो वो बहरिया टाउन कराची को छोड़ने को तैयार नहीं है। और मज़ीद अगर पेट्रोल महंगा होगा तो लोगों के लिए और मुश्किलात होंगी। बहरीन कराची की नीचे आने की वजह में से एक सबसे बड़ी वजह पेट्रोल भी है। एक इतनी अच्छी सोसाइटी होने के बावजूद आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं। आना जाना छोटे छोटे कामों के लिए आप जाते हैं तो आपके ठीक ठाक पेट्रोल लग जाता है। शहर में आके जाके काम करना अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। पेट्रोल एक मेन वजह है बहरीन के खाली होने की। और मेजॉरिटी तकरीबन 90% के करीब ब्रोकर जो दूसरे शहरों से आया हुआ था, पंजाब से आया हुआ था, वो वापस जा चुका है। जो कराची से आया हुआ था वो भी आ चुका है। अब वो लोग जिनका काम बहरीन कराची के अंदर नहीं है, वो लोग वापस आ रहे हैं। जो ओवरसीज के माँ बाप हैं वो वहीं पर ही हैं, जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं वहीं हैं, जिनको पेंशन मिल रही है वो वहीं हैं, और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो वहीं हैं। बेहतरीन जगह रहाइश के लिहाज से, जिनका कारोबार वहाँ है वो भी वहीं पे है अभी मौजूद। और बहुत बड़ी तादाद बहरिया टाउन कराची में ऐसी रहती है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से नहीं है। तो अगर आपके पास भी कोई चीज़ है, और अगर आपको कोई भी बंदा आपको मुगालते से भी ये कह रहा है कि 4 मिनट जो मार्केट अच्छी हो जाएगी, तो भाई किसी के कहने में मत आओ। पेमेंट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो अपनी चीज़ों को बेचो। जो रेट आपको आज मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे अगले 10 15 दिन 20 दिनों में, क्योंकि इस हफ्ते जो मार्केट गिरी है वो बर्दाश्त से बाहर थी। बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ रही है। कुछ बेचना है तो भाई बेच दो आज, अभी आपकी चीज़ फिर बिक जाएगी। आगे जाके आपको वो जो 4 5 साल की होल्डिंग है वो तो होगी होगी, लेकिन फौरी तौर पर अगर किसी को पेमेंट की ज़रूरत है तो उसको अपना प्लॉट बेचना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है। आगे फ्यूचर कैसा है बहरिया टाउन का, इसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।